आज मैं आपके सामने लंच में मूली की पत्तों की सब्जी बनाने वाली हूँ। उसके लिए मुझे जिस सामान की जरूरत पड़ेगी वो मैं आपके सामने बता रही हूँ। मूली के पत्ते हैं ऐसे बारीक कटे हुए, जिनको मैंने पानी में भिगो के रखा है, जिससे इसकी जो है मट्टी है वो इसमें बैठ जाएगी। फिर इसको 2 से 3 बार मैं पानी से साफ कर लूंगी। ये उसके अलावा 2 टमाटर लिए मैंने, 1 प्याज ली है मैंने, 2 मिर्च ली है, लहसुन भी पड़ती है इसमें, 7 से 8 कलियां लहसुन की पड़ती है, बट मैं आज नहीं डाल रही हूँ क्योंकि मैंने अपने घर में गणपति बैठाए हुए हैं, इसलिए मैं लहसुन अभी इन दिनों में नहीं डालती हूँ सब्जियों में। और ये मसाले हैं जो मैंने इसमें पड़ेंगे, ये हल्दी है, राई है, जीरा है, लाल मिर्च है और ये नमक है। देखिए मैंने गणपति की स्थापना की है, उनका भी दर्शन कराती हूँ आपको। मैं ले चलती हूँ मंदिर में अपने, जहाँ मैंने गणपति स्थापना की है। देखिए मेरे भगवान जी, और मोदक भी खा रहे हैं, फूल माला भी जड़ी हुई है। इस समय बहुत अच्छा लगता है हमारे घर में, सारे बच्चे, हम हस्बैंड वाइफ सुबह शाम भगवान की आरती पूजा करते हैं और उनका आशीर्वाद हमारे परिवार पे बना रहता है, तो बहुत अच्छा लगता है। इसलिए मैं चलिए अब अपनी सब्जी की तरफ आते हैं। ये मैंने उसमें कड़ी लीव्स भी पड़ेगी, 1 कड़ी पत्ता है, 1 बहुत है इतनी सब्जी के लिए। अब मैं इसकी तैयारी कर रही हूँ, इसको काटती हूँ। पहले बारीक काटना है मुझको प्याज को। मैंने सारी सब्जियां काट ली है अपनी, टमाटर, प्याज, कड़ी पत्ता और मिर्च। जैसा कि मैंने बताया था लहसुन नहीं है, आप जरूर डालिएगा लहसुन अगर खाते हैं। वैसे मैं इन दिनों में बस नहीं डालती हूँ, बाकी सब दिनों में मूली के पत्ते में और साग में लहसुन मस्ट है, जरूरी है। थोड़ा ज्यादा ही डालिएगा, उससे अच्छा फ्लेवर आता है। अब देखिए मैं ये जो मूली के पत्ते रखी थी उनको धुल के टोकरी में डाल रही हूँ, जिससे उसका पानी, जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाएगा। मैंने गैस पे कढ़ाई चढ़ा दी है, अब गैस ऑन कर रही हूँ। अभी तेज में करूंगी गैस, थोड़ा सा कढ़ाई मेरी गर्म हो जाए। मेरी कढ़ाई गर्म हो गई है, अब सरसों का तेल डाल रही हूँ मैं इसमें। थोड़ा तेल ज्यादा पड़ता है इसमें, साग है, थोड़ा भुनने में भी इसमें टाइम लगेगा। मैंने 4 से 5 चम्मच ऑयल डाला है इसमें।
मेरा ऑयल गरम हो गया है। अब मैं इसमें राई डाल रही हूँ, 1 से 1.5 चम्मच राई डाल रही हूँ इसमें। एक चम्मच जीरा डाल रही हूँ, थोड़ी सी हल्दी, मिर्च डाल रही हूँ, कड़ी पत्ते डाल रही हूँ, कटा प्याज डाल रही हूँ। अब इन सबको थोड़ा भून रही हूँ इसमें। मैंने ये कटे हुए टमाटर डालने हैं, ये डाल रही हूँ। साथ में थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ, थोड़ा ही डालूंगी अभी। थोड़ा सा 2 से 3 मिनट पकने दूंगी ऐसे, प्याज और टमाटर सारी सारे मसालों के साथ में। मैंने हरी मिर्च 2 डाली थी, इसलिए आधे से कम मैं लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ, क्योंकि मेरे घर में ज्यादा तीखा नहीं पसंद करते बच्चे, ज्यादा साग है इसलिए। देखे मेरा ये सारा मिक्स हो गया और टमाटर भी थोड़ा सा गल गए हैं इसमें। अब मैं ये अपना मूली का साग डाल रही हूँ इसमें। अभी मैंने गैस तेज में रखी है, साग सबको मिक्स कर दूंगी अच्छे से। अच्छी खुशबू भी आ रही है, बस थोड़ा लहसुन की कमी लग रही है, बट कोई बात नहीं है। अब ये सारा मिक्स होने के बाद मैं गैस सिम कर दूंगी और इसको एक बर्तन से ढक दूंगी। अभी 10 मिनट तक इसको पकने दूंगी, फिर आके देखती हूँ कैसा हुआ मेरा साथ। इसके साथ मैं रोटियां बनाने वाली हूँ आज। आटा लिया है मैंने, 2 कटोरी आटा लिया है, उसमें बेसन डाल रही हूँ, 1 कटोरी बेसन डाल रही हूँ मैं। देखिए मैंने आटा गूंथ लिया है, अब 10 से 15 मिनट इसको थोड़ा फूलने के लिए रख दूंगी। फूल के रख दी हूँ, तब तक मेरी सब्जी की क्या हाल है देखती हूँ। कड़ी पत्ते की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और देखिए लगभग तैयार हो गई है। 5 मिनट का टाइम और लगेगा इसको पकने में, ढक के मैंने इसको सिम पे छोड़ दिया है। देखिए मेरी सब्जी तैयार हो गई है, बहुत अच्छे से भून गई है। देखिए सब्जी मेरी तैयार हो गई है, इसको मैं गैस को ऑफ कर देती हूँ। इधर मैं खीरे का रायता बनाने जा रही हूँ।
खीरे को छील के अच्छे से धो लूंगी और एक तरफ से काटूंगी सिंपल, दूसरी तरफ से काट के हल्का सा इसको ऐसे करके इसका व्हाइट व्हाइट जितना भी है इसका कड़वापन वो निकाल दूंगी। कभी कभी ऐसा होता है कि सारी पूरी प्रिपरेशन हो जाती है और ये खीरा बाद में कड़वा आ जाता है, इसलिए पहले ही चेक कर लीजिए तो बहुत अच्छा है। और ये मैं इसमें मोटे तरफ से कर रही हूँ क्योंकि ये बड़ा सॉफ्ट होता है, ज़्यादा पतला करूँगी तो वो फिर उसमें दही में दिखेगा नहीं। हमें जितनी ज़रूरत है उतना खीरा किस लूँगी मैं। एक तरफ दही ले रही हूं मैं, दही फेंट रही हूं मैं, उसमें भुना जीरा, लाल मिर्च, काला नमक, और थोड़ा सा सफेद नमक। साथ में थोड़ी सी शक्कर। सबको मिक्स करके मैंने इसमें खीरा पिसा हुआ खीरा भी मिला दिया। अगर आपको ज़्यादा गड्ढा लगे तो थोड़ा सा पानी भी मिला सकते हैं या छाछ रखी हो तो वो भी डाल सकते हैं। रायता तैयार हो गया एक तरफ, सब्जी भी मेरी तैयार हो गई है, अब रोटी बनाने जा रही हूँ मैं। देखिए मेरी थाली अब तैयार हो गई है। मैंने सब्जी के साथ में आज लंच में रोटी, दाल, रायता और सैलेड तैयार किया है। मेरी सब्जी आपको पसंद ज़रूर आएगी, एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। मेरा वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।